नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज कुवैत एक्सपेट कोटा बिल के बारे में। जो कुवैत में प्रवासी कोटा बिल था, उसमें जो संशोधन की बात की जा रही, उसी से संबंधित ये आर्टिकल लिखा गया है। कुछ दिन पहले आपने भी चर्चा में सुना होगा, न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया पर इस तरह का आर्टिकल देखा होगा, शब्द भी सुने होंगे। तो देखेंगे कि आखिर किस संदर्भ में से लिखा गया है। अभी इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कुवैत की जनसांख्यिकी के बारे में बात करेंगे, अन्य खाड़ी देशों पर नजर डालेंगे, कुवैत निर्माण में भारतीयों का योगदान क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैप्स की ओर और देखते हैं, हमारी स्थिति देख लेते हैं भारत की और कुवैत की भी। तो एशिया में देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये आपका श्रीलंका पड़ोसी है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, ये सभी आपके पड़ोसी देश हैं। अब हम चलेंगे कुवैत की ओर। तो ये ओमान की खाड़ी है, ये आपकी फारस की खाड़ी है, ये ईरान हो गया, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, ये है आपका कुवैत। देख रहा है आपको, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है, इसी की बात की जा रही है। तेल की कीमतों में भारी गिरावट और कोरोना महामारी संकट की वजह से खाड़ी देश कुवैत में विदेशी सेवाओं की श्रमिकों की संख्या को कम करने की मांग लगातार की जा रही है। इसे देखते हुए हाल ही में नेशनल असेंबली की कानून और विधायी समिति ने इस एक्सपेट कोटा बिल को संवैधानिक मानते हुए इसे सहमति प्रदान की है। इसके कारण अब खाड़ी देश में कुवैत में करीब 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ सकता है। एक तरह से इसे आप लोग प्रवासी कोटा भी कह सकते हैं। प्रवासी कोटा का मतलब सीधा सा होता है, प्रवासियों का मतलब कि विदेश में, यानी कि कहीं भी आप अपना शहर छोड़कर जा रहे हैं, परदेश में रहने वाला, एक तरफ से एक नॉर्मल शब्द है। जैसे आपने देखा है, प्रवासी मजदूरों की बात की जा रही थी अभी कोरोना महामारी के टाइम, तो क्यों की जा रही थी? क्योंकि अपने घर को छोड़कर कोई अगर जाता है मुंबई, दिल्ली या फिर अन्य देशों में जाता है, तो इन्हें ही हम लोग प्रवासी मजदूर कह देते हैं, प्रवासी। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इस बिल के मुताबिक खाड़ी देश में भारतीय नागरिकों की आबादी 6 देश हैं आपकी खाड़ी देश से, याद रखिए। यहां देखिए, ईरान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये सभी देश इसी में, कतर। भारतीय नागरिकों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में कुवैत की जनसंख्या 3 मिलियन है। कितनी? 3 मिलियन, जिसमें से कुवैत की आबादी 1.3 मिलियन है। शेष 3 मिलियन आबादी दूसरे देशों की है, जो यहाँ निवास करती है। इस देश में करीब 1.45 मिलियन भारतीय रहते हैं। चूंकि कोरोना महामारी की वजह से विश्व में करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है, इसे देखते हुए कानूनविदों और सरकारी अधिकारियों ने कुवैत में विदेशियों की संख्या को कम करने का सरकार से आह्वान किया था। इस बिल के अनुसार भारतीयों की आबादी कुवैत में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मसौदा कानून के तहत प्रवासियों की संख्या पर एक सीमा आरोपित की जाएगी। प्रवासियों की संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 5% की कमी की जाएगी। गौरतलब है कि कोविड-19 के संक्रमण के मामले में विदेशी प्रवासियों में देखने को मिले हैं, क्योंकि ये प्रवासी सैमिक भीड़ भाड़ वाले आवासों में निवास करते हैं और जिससे उनके मध्य वायरस संक्रमण आसानी से प्रसारित हो जाता है। और आप भी सोचिए कि आपके देश में अगर कोई बाहरी रह रहा होता तो हम लोग भी यही करते, क्योंकि अभी आप अपने जो निवासी हैं, यानी कि अपने जो नागरिक हैं हमारे, उन्हें रोजगार देने की बात की जा रही है और हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने की बात की जा रही है। जब स्थिति ठीक होती तो बाहरी लोगों को हम लोग नौकरी दे सकते थे, लेकिन जब हमारी स्थिति खराब है तो आप कई अपने राज्यों में भी देख रहे हैं कि अपने जो राज्य के नागरिक हैं उन्हीं को नौकरी देने की तवज्जो दे जा रही है अन्य राज्यों की मामले में, समझ रहे हैं आप लोग। MP को देख लीजिए, जहाँ अपने ही लोगों को रखने की बात की जाती है। आप मुंबई, महाराष्ट्र में भी देखते हैं इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलती है। कुवैत विदेशी सेवकों पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। कुवैती नागरिक अपने ही देश में अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। बड़ी संख्या में प्रवासियों के कारण कुवैत को अपनी जनसंख्या संरचना में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1/3 प्रवासी या तो अनपढ़ हैं या फिर बहुत कम पढ़े लिखे हैं। उनका कुवैत के विकास में नगण्य योगदान है, अतः कुवैत को और अधिक प्रवासियों की आवश्यकता नहीं है।
अगर कुवैत की जनसांख्यिकी की बात करें हम लोग, तो कुवैत की जनसांख्यिकी में अगर बात की भारत की स्थिति पर गौर किया जाए, तो कुवैत में भारतीय प्रवासी समुदायों की संख्या 45 मिलियन है। यह कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय, लगभग 2,80,000 सॉरी 28,000 भारतीय विभिन्न सरकारी नौकरियों में जैसे नर्स, राष्ट्रीय तेल कंपनियों में इंजीनियर और वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। अधिकांश भारतीय लगभग 5 मिलियन निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं। कुल भारतीय प्रवासियों में लगभग 1.16 लाख लोग आश्रित हैं, जिनमें लगभग आपके 60,000 छात्र भी शामिल हैं इसमें। अन्य खाड़ी देशों पर अगर नजर डालें हम लोग, तो कुवैत के इस फैसले के बाद अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अगर कुवैत के फैसले की तरह अन्य खाड़ी देश भी निर्णय लेते हैं, तो 40 से 45 लाख भारतीय प्रवासियों का भविष्य क्या होगा? कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अल सबाह के अनुसार कुवैत की जनसंख्या संबंधी आदर्श स्थिति में विदेशी 30% और कुवैती 70% होंगे। अगर कुवैती संसद द्वारा इस कानून का निर्माण होता है, तो लगभग 7 से 8 लाख भारतीयों को अपनी नौकरियां छोड़कर अपने देश वापस आना पड़ेगा। इन भारतीयों द्वारा अकेले कुवैत से लगभग 5 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष भारत को प्राप्त होता है। कितना? 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष भारत को प्राप्त होता है इनसे। वर्तमान समय में खाड़ी के देशों में 80 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। कितने? 80 लाख। कोरोना के कारण बेरोजगारी से प्रभावित सैकड़ों भारतीय इन देशों से वापस भी लौट रहे हैं। चिंता की बात है कि इन देशों के शासन अध्यक्षों पर दबाव पड़ रहा है कि विदेशी कार्मिकों को वापस भेजें, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। यदि कुवैत कोई सख्त निर्णय लेता है, तो उसे देखते हुए बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर आदि देश भी वैसे ही घोषणाएं कर सकती हैं। यदि ऐसा हुआ, तो वहां से लौटे इतने लाख भारतीयों को भारत में रोजगार कैसे मिल पाएगा? सिर्फ केरल के 21 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। कुवैत भारत के लिए पेंशन का एक शीर्ष स्रोत भी रहा है। 2018 में भारत ने कुवैत से पेंशन के रूप में लगभग आपका 4 से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए थे। वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सहित अनेक देश भी संरक्षण वाली नीतियों को अपना रहे हैं। यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के उस निर्णय के समान है, जिसके तहत अप्रवासी और गैर अप्रवासी श्रमिकों का के वीजा पर 60 दिवसीय प्रतिबंध का विस्तार किया गया है। कुवैत के निर्माण में भारतीयों के योगदान की अगर हम बात करें, तो कुवैत के संबंध में अगर भारतीयों के योगदान की बात की जाए, तो भारत कुवैत द्विपक्षीय संबंधों के निर्धारण में भारतीय समुदाय हमेशा से ही महत्वपूर्ण कारक रहा है। वर्तमान में कुवैत के लगभग सभी सामाजिक क्षेत्रों में भारतीय अपना योगदान दे रहे हैं। भारत कुवैत संबंधों का हमेशा से एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक आयाम रहा है। हाल के वर्षों में इसमें और अधिक विविधता आई है, जिसमें संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी, नागरिक विमान एवं युवा मामले भी आपके शामिल हो गए हैं। भारत लगातार कुवैत के शीर्ष व्यापार भागीदार देशों में से एक रहा है। कुवैत भी भारत के लिए हमेशा से एक विश्वसनीय कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। आप सभी जानते हैं कि 80% तक हम लोग अपना कच्चा तेल खाड़ी देशों से या अन्य देशों से आयात करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम अपनी पूर्ति कर सकें। वर्ष 2017-18 के दौरान कुवैत भारत का 9वां सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के 63% की पूर्ति करता था। कुवैत के साथ वित्तीय वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 2.7 यानी कि 2.7% वृद्धि कर 8.76 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। जबकि भारतीय निर्यात की बात करें, तो 1.33 बिलियन डॉलर और आयात की बात करें, तो 7.43 बिलियन डॉलर था। भारत से कुवैत को किए जाने वाले निर्यात मद में खाद्य पदार्थ, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग उपकरण, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी वगैरह आदि शामिल हैं आपके, यानी कि हम उन्हें बेचते हैं। कुवैत के भारतीय डायस्पोरा ने इस मरुस्थलीय देश को एक आधुनिक, विलासितापूर्ण एवं कल्याणकारी देश में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। चाहे बात बड़े पावर स्टेशन के निर्माण या फिर संचालन या फिर समुद्र के जल को पीने योग्य बनाने की हो, हर जगह भारतीय प्रवासियों की भूमिका ध्यान देने योग्य है। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग निष्कर्ष था, भारत को खाड़ी देशों के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों
यथा स्वास्थ्य सेवा, दवा अनुसंधान, उत्पादन, पेट्रोकेमिकल। कम विकसित देशों में कृषि, शिक्षा और कौशल में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। खाड़ी देश वर्तमान में अर्थव्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन के अलावा अन्य क्षेत्रों में अव्यवस्था अर्थव्यवस्था को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारत यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाकर प्रमुख भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारत को इसे एक अस्थायी घटनाक्रम के रूप में देखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही उत्पादन में तीव्र गति आएगी उन्हें हमारे लोगों की विशेषज्ञता की पुनः आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हर देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है, तो अभी हर देश अपने ही नागरिकों को रोजगार देने की बात कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की बात कर रहा है। एक समय के बाद सामान्य स्थिति होने के बाद वही पुराना मामला फिट हो जाएगा, वही दिन आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये कहानी थी आपके कुवैत के एक्सपेट कोटा मिल की।